अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो चार्ल्स लॉ के बेसिस पर क्या है। द चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड एंड रिड्यूस टू 0 एट -273.15 सेंटीग्रेड। चार्ल्स लॉ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो वॉल्यूम है ना किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है 1/273 टाइम्स और किस पर 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड तक राइज और फॉल में। इसका मतलब है कि अगर 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर 2 cm³ ज़्यादा होगा। चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर जो है ना वॉल्यूम अगर जो है टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन अगर जो है वॉल्यूम जो है वो जो टेम्परेचर है वो -273.15 सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम होगा 0। वॉल्यूम टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम 1/273 टाइम इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर -273.15 सेंटीग्रेड है तो इधर वॉल्यूम क्या होगा 0 cm³। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम 1/273 होगा और अगर टेम्परेचर -273.15 होगा तो वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करें कि वॉल्यूम जो है ना वो 0 सेंटीग्रेड पर 0 सेंटीग्रेड पर जो है वो V0 होगा तो अगर ये जो है 0 सेंटीग्रेड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये होगा। क्यों ये इसलिए क्यों होगा क्योंकि हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक है कि अगर जो है 1 सेंटीग्रेड के जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफरेंस कितना आएगा। अगर वो 1 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये 1/273 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वो 1 सेंटीग्रेड फॉल होगा तो ये 1/273 टाइम जो है इसका फॉल होगा वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम। तो अगर 1 सेंटीग्रेड है तो ये 1 × 2 वॉल्यूम ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और कितना इंक्रीज हुआ है 1/273 टाइम 2 सेंटीग्रेड ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और इसमें और कितना चेंज आएगा 2 जो है टेम्परेचर कितना है 2 सेंटीग्रेड और 1/273 तो 2 × 2 = 2/273। इस तरह ये जो है वॉल्यूम चलता रहेगा। जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है K = V/T। तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस स्टेट में कहा है कि 0 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम 1/273 होगा और अगर टेम्परेचर -273.15 सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो 0 cm³ होगा। द चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड 0 एट 0 सेंटीग्रेड एंड रिड्यूस इट टू 0 एट -273.15 सेंटीग्रेड। Actually, at this temperature, a gas does not remain in gaseous state but changes into liquid or a solid. तो ये कहना चाहते हैं कि जब -273.15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ना तो वॉल्यूम इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि जो गैस होती हैं वो जब तक इस टेम्परेचर पर आती हैं तो वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम होता ही नहीं है, ज़ीरो हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली एट दिस टेम्परेचर अ गैस डज नॉट रिमेन इन गैशियस स्टेट। जो ये -273.15 सेंटीग्रेड है इसमें जो है जो गैस होती है वो गैशियस स्टेट में नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड और सॉलिड में।
लॉर्ड केल्विन सक्सीडेड इन मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस विद द हेल्प ऑफ न्यू स्केल कॉल्ड द एब्सोल्यूट केल्विन स्केल और द केल्विन टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन ने जो है ना वो गैस का टेम्परेचर मेजर करने में वो कामयाब हो गए थे, तो उन्होंने एक नया स्केल डेवलप किया तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल या केल्विन टेम्परेचर स्केल। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल -273.15 सेंटीग्रेड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्केल। उसके मुताबिक जो टेम्परेचर का हम तो जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो 0 सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसने जो ये स्केल बनाया ना एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल तो इसमें केल्विन में मेजर किया जाता है। जब हम सेंटीग्रेड वाले स्केल लेते हैं तो उसमें 0 सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड होता है, तो इसने केल्विन स्केल बनाया तो केल्विन स्केल वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे -273.15 सेंटीग्रेड हो। फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, यहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये क्या है सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल में ये 0 है और ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। लेकिन जो केल्विन स्केल नया निकाला था ना उसमें क्या था कि जो 100, 200, 300 तो जो -273.15 सेंटीग्रेड जो थे वो यहाँ पे थे। तो एक नया स्केल जो निकाला था केल्विन स्केल उसका 0 पॉइंट जो था वो यहाँ से शुरू होता था, 0 उसके यहाँ 0 केल्विन होता था, यहाँ 100 केल्विन, यहाँ 200 केल्विन, तो वो काफ़ी जो है सेल्सियस स्केल से 0 से काफ़ी पीछे -273.15 सेंटीग्रेड पे वो केल्विन का 0 केल्विन होता था। जो -273.15 सेंटीग्रेड है वो केल्विन स्केल का जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता था। On comparing with the Celsius scale which start with 0 centigrade, the two scale are related as। तो अगर ये केल्विन का ये केल्विन में ना अगर सेल्सियस में 273 जो है वो प्लस कर दो तो वो केल्विन स्केल बन जाता था। ये केल्विन है तो इसमें सेंटीग्रेड में कर दो 273.15 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है केल्विन। फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड ये जो है -273.15 सेंटीग्रेड प्लस 273.15 ये दोनों प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए 0 आ गया, तो केल्विन का 0 यहाँ पर है। अगर हम 0 सेंटीग्रेड लेते हैं के इज़ इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड प्लस 273.15 तो 273.15 सेंटीग्रेड तो यहाँ पे होगा जो 273.15 केल्विन होगा। सेल्सियस स्केल का 0 होगा ना वो 273.15 केल्विन के इक्वल होगा। इसी तरह हम किसी भी जो है ना सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू होगी उसे हम केल्विन स्केल की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4.1 कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर। तो इन सब सेल्सियस टेम्परेचर को हमने केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। आप एग्जाम्पल 4.1 कन्वर्ट 1st हमारे पास है -132 सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने के केल्विन के लिए हमें क्या करना पड़ता है के इज़ इक्वल टू +273। तो सेल्सियस में क्या है के इज़ इक्वल टू -132 +273। -132 + 273 = 141 केल्विन। बी हमारे पास है 96 सेंटीग्रेड। केल्विन इज इक्वल टू +273 सेल्सियस की जगह थी 96 सेंटीग्रेड प्लस 273।
369 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड, के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, 0 प्लस 273 केल्विन। जब 0 सेंटीग्रेड होगा तो 273 केल्विन टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है माइनस 12 सेंटीग्रेड, के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 माइनस 12 प्लस 273 माइनस 12 प्लस 273 क्या आ गया 261 केल्विन। ये लास्ट में यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, 148 सेंटीग्रेड प्लस 273 148 प्लस 273 421 केल्विन। ये हमने कर दिए सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट। ये बुक में भी यही आंसर्स है। नेक्स्ट है एग्जांपल 4.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो पहले हमने क्या किया था कि जो थे ना सेल्सियस टेम्परेचर था उसको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट किया था। अब जो केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास 340 केल्विन, 200 केल्विन, 10 केल्विन और 405 केल्विन है। इनको हमने सेंटीग्रेड जो है ना उसमें कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, जो सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते तो 0 सेंटीग्रेड प्लस 273, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो जो इधर ऐड हो रहा है 273, इधर जो है माइनस 273। सबसे पहले हमारे पास है 340 केल्विन, तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 273 करना होगा। 340 माइनस 273 67 केल्विन। हमारे पास क्या आ गया, 67 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है 200 केल्विन माइनस 273 माइनस 73 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है 10 केल्विन माइनस 263 ये सेंटीग्रेड थी। डी हमारे पास है 405 केल्विन, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 132 सेंटीग्रेड आंसर आ गया। ये हमारे पास एग्जांपल 4.2 भी सॉल्व होगी।